हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। रोटेशनल मोशन वीडियो नंबर 13, चलती जा रही सीरीज, मजा आ रहा है? ध्यान से एक एक वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। दोनों मोशन जब साथ में हो तो कैसे उसको डील करें। अभी तक हमने पढ़ रहे थे, कोई बॉडी सीधे सीधे चल रही है तो ठीक है, घूम रही है तो भी ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे बॉडी घूम भी रही और चल भी रही तब कैसे चीजों को डील करें। किसी बॉडी के दो तरह के मोशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, जिससे बनेगा प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के क्वेश्चन देख रहे होंगे किताब में, लास्ट ईयर के पेपर्स में बहुत आते हैं। और प्योर रोलिंग तभी समझ में आएगा जब आज का लेक्चर और इसका नेक्स्ट लेक्चर आप ध्यान से देखोगे। प्योर रोलिंग में मैं बता दूं, नीचे वाले पॉइंट की स्पीड जीरो, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, वो रटाने वाली चीज हो जाएगी यार, समझ में नहीं आएगा। भाई रोलिंग है क्या? सीधा चलना और घूमते हुए, सीधा चलना और घूमते हुए, मतलब दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है रोलिंग। तो जब ये दो मोशन साथ में हो तो किसी पॉइंट की स्पीड क्या होती है, किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आज के वीडियो में हम बताएंगे। कॉपी पेन लेके तैयार होके बैठ जाएं, है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अपनी सीट की बेल्ट, सीट बेल्ट बांध लें और तैयार हो जाएं। और जहां जहां क्वेश्चन है पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ऑप्शन पे हमारे बहुत अच्छे सवाल है, आज के सवाल बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे क्योंकि वो रोलिंग की तरफ जाने वाले सवाल है, तो सवाल तो अच्छे होने ही थे, है ना। लेक्चर इतना आगे आ गया तो सवाल तो अच्छे होने ही है। और अगले लेक्चर में मैं आपको ऐसे मोशन में, जब दोनों मोशन साथ में हो रहे हैं तो कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करें, कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें और कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, यह भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो एंजॉय करें आज का वीडियो। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और हेडिंग लगाएंगे आज की ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। रोलिंग का इंट्रोडक्शन है ये, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन अपना स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, रोटेशन अपना घूमने वाला मोशन। तो भाई साहब, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन मोशन आना चाहिए और रोटेशनल के बारे में सारी बात पता होनी चाहिए, और सच्चाई बताऊं तो आपको सर्कुलर मोशन भी आना चाहिए। ठीक है, तभी ये कहानी पूरी समझ में आएगी। तो भाई शुरू करते हैं इसको। मान लो यहां मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, डिस्को वाला डिस्क नहीं रे, डिस्क है, और ये डिस्क आगे की तरफ वी स्पीड से बढ़ रही, मतलब इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा वी की स्पीड से, और ये डिस्क घूम भी रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा की स्पीड से गोल गोल घूम रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इस डिस्क के मोशन को कोई बंदा बाहर से देखे, कोई बंदा ग्राउंड से देखे, तो डिस्क के एक एक पॉइंट का मोशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। जरा ध्यान से इस पॉइंट को देखो, इसका नाम मैं पी दे दूं। इस पॉइंट का मोशन जरा सोचो कैसा होगा। एक तो ये पॉइंट गोल गोल घूम रहा है और साथ में ये पॉइंट आगे भी बढ़ रहा, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गोल घूमेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गोल घूमेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गोल घूमेगा, ये सोचो, इमेजिन करो इसके ऊपर नजर, तुम्हारी नजर इसके ऊपर, ये तो ये पॉइंट कुछ ऐसा मोशन करेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स मोशन है बिल्कुल। इसी तरह से हर पॉइंट इस डिस्क का एक बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहा, और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना, देखो जरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना खिचड़ी बनाने जैसा है। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही सुलझा हुआ प्राणी है। सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, देखो ये गोल गोल घूम रहा, नजरें जमाओ सेंटर ऑफ मास पे, जमा लो एकदम। सेंटर ऑफ मास कहां है? जहां था वहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे कटिंग, सेंटर ऑफ मास किसमें चला? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राउंड से अगर हम सेंटर ऑफ मास को देखें तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर किसी और पॉइंट को देखें तो बड़ी दिक्कत है। हम क्या करते हैं, ऐसे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन, और दोनों पार्ट का वेक्टर सम कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ, वेलोसिटी निकालना हुआ, एक्सेलरेशन निकालना हुआ, सब वेक्टर है, तो हम दोनों पार्ट से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल, ये मान लो थोड़ा आगे बढ़ा और गोल भी घूमा, तो पहले हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, हमने इसको आगे बढ़ा लिया, मान लो एक्स पॉइंट यहां से यहां आ गया, ठीक है, यहां से यहां एक्स पॉइंट आ गया, ये कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशन। फिर इस पॉइंट पे आके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स को हम घुमा देंगे, इस पॉइंट पे आके हमने एक्स को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा दिया। अब वो तो जितना टाइम दिया होगा उसके हिसाब से घुमाएंगे, जैसे मान लो टी टाइम के बाद की कहानी पहुंची, तो टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगा, हमने बोला ये इतना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, स्पीड कितनी आगे जाने के लिए, वी वाली, तो वी टी आगे बढ़ा। टी टाइम में ये कितना गोल घूमा, किस स्पीड से घूम रहा, ओमेगा की स्पीड से, तो कितना एंगल घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओमेगा टी, स्पीड इन टू टाइम, तो हमने बोला ये ओमेगा टी एंगल घूम गया। ओवरऑल कोई हमसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट को और इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि करेंगे क्या हम, देखो जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है ना, वो हर पॉइंट को मिलेगी, हर पॉइंट वी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट वी की स्पीड से आगे बढ़ रहा, और सब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के लिए क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? तो पहले हमने उसको क्या किया, हमने बोला टी टाइम बताओ, टी टाइम के बाद बताओ एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमने कहा टी टाइम में एक्स पहले आगे बढ़ा लो, कितना, स्पीड इन टू टाइम, फिर एक्स को अपनी ही जगह पे गोल गोल घुमा दो, ओमेगा टी। असल में ये दोनों चीजें साथ में हो रही होंगी, ये हमने सॉल्व कर दिया, असल में तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही होंगी, ये गोल भी घूम रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसी से चीजें क्लियर होंगी। दो सवाल लेंगे, फॉर्मूला की टेंशन मत लो, फॉर्मूला में बीच में तुमको दूंगा, आके चला जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, अगर फिजिक्स में फील है तो, अगर फिजिक्स में फील है तो रटने की जरूरत नहीं है। जो वी की स्पीड से आगे भाग रही और ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही, डिस्क का रेडियस आर है और हमसे बोल रहा कि ओमेगा की वैल्यू वी बटे आर है, हमसे बोल रहा पाई बटे टू ओमेगा टाइम के बाद, एक टाइम की वैल्यू दी है, ऐसे ही एक वैल्यू है पाई बटे टू ओमेगा टाइम के बाद, ये डिस्क रोल करता हुआ आगे जा रहा, पाई बटे टू ओमेगा टाइम के बाद आप पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम ग्राउंड से देखेंगे पी पॉइंट को, तो बड़ा अजीब सा मोशन दिखेगा पी पॉइंट का, एक तो पी पॉइंट आगे भी बढ़ेगा क्योंकि ये आगे जा रही है पूरी डिस्क, और पी पॉइंट थोड़ा ऊपर उठेगा, देखो ओमेगा ऐसे है ना, तो पी पॉइंट ऊपर उठेगा, तो हमसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा पी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे करना हो मेरे साथ देखो, पहले हम इस डिस्क को आगे बढ़ाते हैं, पहले इस डिस्क को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना आगे जाएगी टी टाइम में, ये कितना आगे जाएगी, सेंटर ऑफ मास वी की स्पीड से चल रहा, तो टी टाइम में बच्चों ये कितना आगे जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम, कितना हो गया, स्पीड है वी, टाइम है पाई बाई टू ओमेगा, ऐसे ही दे रखा है, ओमेगा है वी बटे आर, ओमेगा का यहां पे एक रिलेशन दिया है वी के साथ, वी बटे आर, वी से वी मर गया, आर पाई बटे टू, कितना आगे गया यहां से यहां, आर पाई बटे टू। अच्छा, ये तो हुआ इसका ट्रांसलेशन मोशन पी पॉइंट का, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल गोल भी घूमा होगा इस तरफ ओमेगा स्पीड से, ऐसे कितना घूमा होगा, आओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, तो ओमेगा और टाइम का एक्सप्रेशन क्या है,
पाई बाय टू ओमेगा, तो पाई बाय टू ओमेगा से ओमेगा मर गया, यानी पाई बाय टू एंगल ये घूमा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। पाई बाय टू बोले तो 90 डिग्री का एंगल ये घूमा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। मतलब पहले तो ये पॉइंट यहां तक आया, हमने तोड़ लिया, असल में तो दोनों साथ में हो रहे हैं मोशन, हमने तोड़ लिया, हमने कहा पहले ये आगे आया फिर ये घूम के यहां पहुंच गया इस जगह पर, इस जगह पर 90 डिग्री घूमकर इस जगह पर। तो बच्चों यहां आने से ये कुछ एक तरह से देखा जाए तो पीछे चला गया, यस और नो? हमने तो यहां तक का डिस्टेंस लिया, यहां से यहां पूरा डिस्टेंस हमने माना, सेंटर ऑफ मास की स्पीड लेके हमने ये पूरा डिस्टेंस देखा आर पाई बटे टू, पर ये कुछ पीछे आ गया ऐसा लग रहा है। कितना पीछे आ गया? आर पीछे आ गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो एक्स में ये कितना आगे चला, ये पार्टिकल एक्स में कितना आगे चला, देखो यहां तक गया और एक्चुअल में यहां पहुंचा है, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा इसका, ये मतलब आर पाई बटे टू माइनस आर, यस और नो? आर पाई बटे टू, उसमें से आर हटा दो, ये हुआ एक्स में, तो इसके आगे हमने लगा लिया आई कैप एक्स में। वाई में देखो इसका मोशन कितना है, यहां से यहां वाई में कुछ नहीं और यहां से ये ऊपर उठा है, वाई में कितना ऊपर उठा है आर के बराबर, तो प्लस आर इंटू जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इट इज वेरी इजी, यस और नो? क्लियर है, एकदम आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है? मैंने बोला कि पहले देख लो ट्रांसलेशन मोशन से कितना आगे बढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सुनो कुछ बातें, ये जो स्पीड v है ना सेंटर ऑफ मास की, ये हर पॉइंट को मिलती है, हर पॉइंट उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा, ठीक है? तो स्पीड इंटू टाइम से ये आगे बढ़ा, तो v इंटू टाइम की वैल्यू वगैरह रखी, ये एक्सप्रेशन आया। फिर हमने कहा यहां पे इसको घुमा दो, अब रोटेशन भी देख लो, हो तो दोनों साथ में रहे पर हमने तोड़ लिया, अब इस जगह पे हमने इसको रोटेट किया, रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू रखी, देखा 90 डिग्री घुमा है इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री घुमा के यहां पहुंचा दिया। तो इसका एक्स में एक तो आर पाई बाई टू आगे था, अब देखो ये थोड़ा पीछे हो गया ना, यहां से ऊपर जाने की वजह से थोड़ा पीछे हो गया, तो हमने माइनस आर कर दिया, ये हो गया एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो आई कैप लगा दिया। वाई में देखो घूमने की वजह से ही वाई में ऊपर जाएगा, कितना ऊपर गया आर, तो प्लस आर इंटू जे कैप। क्लियर हुआ? मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करेंगे, लॉजिक से करेंगे सवाल को, किससे करेंगे? लॉजिक से। करते हैं अगला सवाल लॉजिक से, इसका डिस्प्लेसमेंट के सवाल पहले मैं आपको करा दूं, फिर वेलोसिटी के सवाल करा दूंगा, फिर एक्सेलरेशन के सवाल करा दूंगा, फिर मोमेंटम के सवाल करा दूंगा, फिर काइनेटिक एनर्जी के सवाल करा दूंगा, फिर एंगुलर मोमेंटम के सवाल करा दूंगा। सारे वेरिएबल जो हो सकते हैं, जो हमें देखने हैं रोलिंग मोशन में, उन सारे वेरिएबल की चर्चाएं होंगी आज। तो भैया जी रे, अगला सवाल आपको मिलेगा डीसी पांडे से, पिछला सवाल मेरा खुद का बनाया था, कॉपीराइट। मान लो ये डिस्क v की स्पीड से चल रही, ओमेगा की स्पीड से घूम रही, रेडियस इसका r है, v की स्पीड से चल रही, ओमेगा की स्पीड से घूम रही, रेडियस इसका r है। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट p है, अब की बार हमसे सीधा कह दिया आफ्टर टाइम t, After time t, find the displacement of p with respect to ground। मतलब वही सवाल है, displacement of p with respect to ground। अब की बार t time के बाद, और t specify नहीं किया। किया जाए इसको आसान, पहले इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं translation motion की वजह से, ये आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा बच्चों बोलो, और थोड़ा आगे बना लेते हैं, ठीक है? थोड़ा डायग्राम प्यारा सा बनाना चाहते हैं क्योंकि हम, तो मान लो इसको हमने आगे बढ़ाया 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 और मान लो यहां पहुंच गया ये, ठीक है? बन जा रहे गोले अंडे। अच्छा, कितना आगे बढ़ेगा बच्चों? ये डिस्टेंस कितना होगा? वी इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। फिर ये पॉइंट पी ओमेगा से घूमा, टिंग डिंग डिंग डिंग, कितना घूमा? थीटा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, इस बार टाइम भी नहीं है ओमेगा भी नहीं है, तो कितना घूमा?
ओमेगा टी। अब ओमेगा टी कहीं भी हो सकता है यार, ये एंगल तो कहीं भी घूम सकता है, हो सकता है यहां तक घूमा, हो सकता है यहां तक घूमा, हो सकता है यहां तक घूमा। तो हम क्या करें, कहीं पे भी लेके सॉल्व कर दो, अपने आप वेरिएबल संभाल लेंगे स्टोरी को। तो मान लो यहां तक घूमा, कहीं पे भी लेके सॉल्व कर दो, आप वेरिएबल्स स्टोरी को संभाल लेंगे, फिजिक्स का काम है आपका नहीं। कितना एंगल घूमा, लेट दिस एंगल बी थीटा, थीटा की वैल्यू हमें खैर पता है। तो भाई साहब इसका डिस्प्लेसमेंट वी टी हुआ, और ये कुछ पीछे भी आया हुआ दिख रहा है, दिख रहा है इतना पीछे आ गया, यहां तक आपने ले लिया है वी टी, ये यहां से यहां वी टी गया ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, वी स्पीड जो सब पार्टिकल को मिलती है, और ये कुछ पीछे आ गया, कितना पीछे आया निकाल सकते हो, ये आर, ये थीटा, ये कितना होगा आर कॉस थीटा, हाँ ये आर, ये थीटा, आर साइन थीटा होगा ना इधर, सॉरी आर साइन थीटा है ना, ये थीटा एंगल है, इधर आएगा आर कॉस, इधर आएगा आर साइन, बोलो ठीक है, बना के देख लो। अरे रे रे बच्चा, ये आर इधर आएगा आर कॉस थीटा, इधर आएगा आर साइन थीटा, है ना, इस तरफ कॉस थीटा, इस तरफ साइन थीटा, ठीक है भाई। तो आर साइन थीटा पीछे आ गया ये यहां से, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिखें तो हम लिखेंगे वी टी गया आगे, और फिर पीछे कितना आ गया, एक तरह से देखो ऐसे गया तो x में पीछे कितना आया माइनस आर साइन थीटा, ये सब किस डायरेक्शन में हुआ x में, तो लगा दो i कैप। अब बात करते हैं y में, y में इसकी वजह से तो कुछ हुआ नहीं है, y में तो घूमने की वजह से ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, ये यहां तो पहुंचा ना पार्टिकल, ये y में ऊपर गया, ये हमें निकालना है, निकाल सकते हो, बहुत आसान है यार, कई बार मैंने करके दिखाया ये आपको, जरा देखो ये कहानी है, है? सुर, सुर, ठीक है, ये पूरा कितना होगा रेडियस आर, आपको ये हाइट निकालनी है एक्चुअल में, ये पूरा आर, ये एंगल थीटा, ये भी कितना है आर, छी कितना डंडा डायग्राम बनता है सर, यू यू यू, चलो ये पूरा आर, आपको ये हाइट निकालनी है, ये एंगल थीटा, ये आर, ये बोलो कितना होगा आर कॉस थीटा, ये पूरा कितना है आर, तो बची हुई हाइट कितनी होगी आर माइनस आर कॉस थीटा, बोलो क्लियर है, ये कितना है आर, ये कितना है आर, इसका इधर कंपोनेंट आर कॉस थीटा, यहां तक पुटुक्कू पुटुक्कू आर कॉस थीटा, पूरा है आर, उसमें से आर कॉस थीटा माइनस, तो मिल जाएगी ये हाइट, वाई में इतना ही डिस्प्लेस हुआ है ना आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वाई का डिस्प्लेसमेंट r माइनस आर कॉस थीटा, और y के लिए लगा दो j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट एनी टाइम t। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, अगर टाइम ज्यादा हुआ तो ये घूमता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा, वो थीटा संभाल लेगा कहानी, साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे तुम कह रहे हो सर अगर ये ज्यादा घूम गया सर तो ये यहां पहुंच जाएगा, अरे पहुंचने दे, थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, अपने आप ऐड हो जाएगा, बहुत ओवर स्मार्ट लोग हैं, कह रहे हैं सर टाइम ज्यादा होगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो सर इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, आपने तो माइनस किया है, कह रहे हैं टाइम ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल घूमता हुआ यहां पहुंच जाएगा, तो एक्स में ऐड करना पड़ेगा, तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, जो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव ले लेगी ना अपने आप को, सब अपने आप मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, इतने ज्ञानी मत बनो। थीटा की जगह क्या रख दोगे, ओमेगा टी, तो थीटा की जगह ओमेगा टी, नहीं सवाल पूछना चाहिए, मैंने रीजन बताया कि अपने आप इक्वेशन मैनेज करेगी, तो vt minus r sin omega t i cap r minus r cos omega t j cap is the displacement of p point after time t। क्लियर है, मस्त क्लियर है एकदम, कि हल्का हल्का क्लियर है सर, मस्त क्लियर है, ओके मिटा दें, यस सर। आपको मैं एक यहां पे एक इक्वेशन दे रहा हूं जिसको आप यूज मत करना, क्यों दे रहे हो सर, क्योंकि किताबों में लिखी है, किताबों में, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, टिक 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 टिक, अच्छा नहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू विच यू विल नेवर यूज, ओके लॉजिक से ही करोगे क्वेश्चन तभी बनेगा। Displacement of point P with respect to center of mass is equal to displacement of P minus displacement of center of mass. Yes or no? Yes, sir. Of course. AB, VA minus VB. Yes. इसको हम लिख सकते हैं with respect to ground, with respect to ground. कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? अच्छा. इसको इधर ही रखो. या इसको इधर ले आओ. Displacement of particle with respect to ground, point P with respect to ground is equals to सुनना.
displacement of center of mass with respect to ground plus displacement of P with respect to center of mass. बड़ी complex language है पर बात बड़ी सच्ची और सही है. realize करने के लिए थोड़ा feel चाहिए physics का. यहीं से हम lecture को start कर सकते थे पर थोड़ा इसमें फिर आप समझ रहे हो जो अभी हालत हुआ पहली हालत हो जाती, जो अभी हाल हुआ है वो पहले हो जाता. displacement of point P with respect to center of mass can be written as SP minus SC. मैंने GG लगा दिया. displacement of point P with respect to ground ये इधर आया add हुआ. displacement of center of mass with respect to ground plus displacement of point P with respect to center of mass. सर क्या है ये समझो. अगर P को ground से देखना है, कहां से देखना है, ग्राउंड से देखना है, तो एक काम करो, पहले तुम ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास को देखो. सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास को देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यही तो तुमने भी किया है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vt. सेंटर ऑफ मास देखो v स्पीड से चल रहा था, तुमने कहा वो आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा vt, काम तुमने भी वही किया है. प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर तुमने क्या कहा, तुमने कहा P कितना घूमा, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में. तो किया आपने भी वही है बट अनोइंगली होता यह है. यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर से लिख रहा हूं, पहले क्या करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस displacement of point P with respect to center of mass. chain rule पढ़ा है, differentiation पढ़ा है. chain rule क्या करते थे, कोई differentiate करना है पहले अंदर जाते थे फिर और अंदर, वही करना है. बाहर से देखना है तो क्या करो, पहले center of mass को देखो, पहले तुम center of mass को देखो कि center of mass का displacement क्या है with respect to ground. फिर तुम center of mass पे पहुंच जाओ और center of mass से P पॉइंट को देखो कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है. क्लियर हुआ क्या, बिजली सी चमकी. बाहर से देखने का तरीका क्या है, पहले सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट को मत देखो पहले सेंटर ऑफ मास को देख लो, फिर सेंटर ऑफ मास से सोचो कि P कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. बाकी मैथमेटिकली तो मैंने प्रूफ कर ही दिया पर फील के बिना मजा कहां है, अंदर घुसना है. किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है तो पहले सेंटर ऑफ मास को देखो कितना चला, फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो P कितना चला. अब क्लियर है, पहले सेंटर ऑफ मास को देखो कितना चला, फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो P कितना चला. चलो खैर, सवाल तो वैसे भी बन चुका था सर, ऐसे ही बताना चाहिए, फील रहना चाहिए जिंदगी में, जीवन में. चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा. किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है. टाइम कहाँ है सर, रोटेशन के सिवा कुछ और पढ़ पाए हम जिंदगी में. चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेलोसिटी वगैरह की. ये भी मैं तुमको फिलोसिटी भी किससे समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा तुमको फील से, बाद में फॉर्मूला भी दे देंगे. मान लो यहां पे कुटुक वही स्फीयर डिस्क जो भी समझ लो है, वी स्पीड से आगे बढ़ रहा, ओमेगा की स्पीड से घूम रहा, रेडियस है आर, हमसे बोलता है आप सेंटर ऑफ मास का, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, इसको ओ कर दें, चेंज कर देते हैं कुछ, इस सेंटर ऑफ मास का पॉइंट एम का, पॉइंट एन का, पॉइंट ओ का और पॉइंट पी का वेलोसिटी बताएं, एम एन ओ पी की वेलोसिटी बताएं. थोड़ी फील करने वाली चीज है, देखो ध्यान से, किसी भी पॉइंट को उठा लें, किसको उठाएं, पी को उठाएं, चलो पी को उठाते हैं, ओ को उठाते हैं, ओ बड़ा प्यारा पॉइंट है. ओ के पास बच्चों दो तरह की स्पीड होगी, एक ट्रांसलेशन मोशन की, एक रोटेशन मोशन की. एक तो ओ आगे भाग रहा होगा, किस स्पीड से, वी स्पीड से, सेंटर ऑफ मास वी से आगे चला, सारे पॉइंटों को वी से आगे चलना पड़ेगा, मजबूरी है. तो एक तो ओ आगे भागा वी स्पीड से बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको वी सी ओ एम बोलेंगे हम, कोई दिक्कत.
दूसरा ये ओमेगा से घूम रहा, जब ये ओमेगा से घूमेगा अब भूल जाओ कि ये चल रहा, अब सिर्फ रोटेशन को देखो, अब भूल जाओ कि ये चल रहा, अब सिर्फ रोटेशन को देखो, कोई चीज घूम रही तो इस पॉइंट की स्पीड रोटेशन की वजह से बच्चों कितनी होती थी, v इज इक्वल्स टू कितनी होती थी, r ओमेगा होती थी। o की स्पीड रोटेशन की वजह से कितनी होगी, r ओमेगा, ट्रांसलेशन की वजह से v c o m, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गए, v c o m प्लस r ओमेगा इज द नेट स्पीड ऑफ पॉइंट o। मान लो पार्टिकल नहीं घूम रहा होता तो v o की स्पीड कितनी आती, v c o m। मान लो ये रुका होता अपनी जगह पे और गोल गोल घूम रहा होता, रुका होता और गोल गोल घूम रहा होता, ये स्फीयर रुक के सिर्फ रोटेशनल मोशन करता, तो ओ की स्पीड कितनी आती, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये घूमने वाली स्पीड आर ओमेगा टुक टुक प्लस सेंटर ऑफ मास क्योंकि आगे चल रहा तो वो भी वहां मिली, और वेक्टर सम कर दोगे जो भी आंसर आएगा बता दोगे। चलो चलते हैं पॉइंट पी पे, तो P पॉइंट के बाद एक स्पीड तो रहेगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सबको बराबर से मिलती है, हर पॉइंट जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है उसी स्पीड से आगे जाने की कोशिश करता है पर जा नहीं पाता है। अब P पॉइंट को देखो, सर्कुलर मोशन की वजह से, रोटेशन की वजह से P पॉइंट की स्पीड कैसे होगी, टुक ऐसे होगी, कितनी आर ओमेगा। तो पी की एक स्पीड इस तरफ हुई आर ओमेगा। अब P की कोई आपसे नेट स्पीड पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा वेक्टर सम, है ये निकलेगा कि नहीं, V नेट निकालना पड़ेगा है कि नहीं, ऐसे V नेट, V नेट निकाल पाओगे, V नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट V C O M का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से M पॉइंट पे अगर आओ तो M पॉइंट भी आगे भागना चाह रहा होगा, फीलिंग आ रही है जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही, पूरी पूरी आ, पूरी पूरी लेते हैं। M पॉइंट क्योंकि ये पूरा डिस्क आगे चल रहा तो M भी आगे चलना चाहेगा V C O M से, और घूमने की वजह से M पीछे बाकी का सुर सुर पीछे की तरफ किस स्पीड से, R ओमेगा। सो M की अगर नेट स्पीड लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बच्चों होगी V C O M माइनस R ओमेगा। जैसे यहां पे भी ये V नेट किसके रिस्पेक्ट में है, P की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से जब देखेंगे, ग्राउंड से देखेंगे तो एक तो ये आगे जाता हुआ और घूमता हुआ देखेगा तो हमको नेट स्पीड इस डायरेक्शन में दिखेगी। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर N, N भैया इधर भागेगा V C O M से और घूमने की वजह से ऊपर जाएगा कितनी स्पीड से, R ओमेगा से। यहां से आप V नेट इसका निकाल लोगे अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। लास्ट पॉइंट C, C के पास सिर्फ एक स्पीड है V C O M, C घूम नहीं सकता ना तो सेंटर पे है, उसका ओमेगा जीरो होता है, सेंटर के लिए नहीं घूमता पार्टिकल है ना, ओमेगा जीरो नहीं होता, V जीरो होता है, मतलब R ही नहीं है ना इसके पास, अगर इसका V इज इक्वल टू R ओमेगा लगाओगे तो R है ही नहीं इसके पास, तो V सेंटर की स्पीड सिर्फ कितनी होगी V C O M। बाकी पॉइंट्स की स्पीड समझ में आई कैसे कैसे निकाली, ये आगे भागेगा V C O M से, पीछे जाना चाहेगा R ओमेगा से, यहां दोनों सपोर्ट कर रहे हैं स्पीड बढ़ जाएगी, यहां स्पीड सबसे कम होगी, इन दोनों की स्पीड कुछ अलग होगी। अच्छा क्लियर है, चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें मजा ही क्या, चलो तुम मुझे एक सवाल करके दिखाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कितना समझ में आया, कुछ भी नहीं आया। चलो सवाल देते हैं, ये हम आपकी रोलिंग के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, सेना भर्ती के लिए आपकी पहले से तैयारी हो रही है, देख रहे हैं कि आप कितना कर पाएंगे, रोलिंग मोशन के लिए सब चीज आना बहुत जरूरी है। चलो मैं बोलता हूं ये स्फीयर आगे भाग रहा विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड और ये गोल गोल घूम रहा विथ ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकेंड और इसका रेडियस है 1 मीटर। आपको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। फाइंड स्पीड ऑफ ए बी सी और अरेंज करो वी ए वी बी वी सी को कि भैया कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है, अरेंज करो इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्पीड को मॉड लगा दिया ना ताकि स्पीड रहे वैल्यू वाइज। चलो ट्राई करो, पॉज करके बताओ कौन बड़ा कौन छोटा और सब पॉइंट की स्पीड बताओ। एक दो तीन चार पांच हो गया इसकी स्पीड। पॉज कर लो अभी, फिर से एक बार ऑप्शन दे रहा हूं, पॉज कर लो, मैं बोलने जा रहा हूं। एक दो तीन चार पांच, इस पॉइंट की स्पीड आएगी सात, इस पॉइंट की स्पीड आएगी एक, इस पॉइंट की स्पीड आएगी पांच। आइए देखें, चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए आगे भागना चाहेगा वी वाली स्पीड से, यानी चार मीटर पर सेकंड से, और पीछे भागेगा कुछ किसी स्पीड से, आर ओमेगा से आगे जाएगा वी सी ओ एम से। तो वी सी ओ एम सेंटर ऑफ मास की स्पीड चार, आर ओमेगा, आर कितना है वन, ओमेगा कितना है थ्री, तो थ्री मीटर पर सेकंड पीछे आ गई स्पीड। तो ए की नेट स्पीड कितनी होगी बच्चों, वन मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो ए की वैल्यू हो गई कितनी, वन। बी की बात करें, ये रहा बी, बी आगे जाना चाहेगा चार मीटर पर सेकंड से और घूम भी इधर रहा सुर सुर, यहां की स्पीड ऐसे पिचुक पिचुक, आर ओमेगा, आर वन ओमेगा तीन, तीन मीटर पर सेकंड, चार तीन सात एक ही डायरेक्शन में। तो बी की स्पीड हो गई सेवन मीटर पर सेकंड। सी की बात करें, सी आगे जाना चाहेगा फोर मीटर पर सेकंड से, पिचुक ये लगेगी इस पे आर ओमेगा, आर वन ओमेगा तीन, तो तीन मीटर पर सेकेंड। 90 डिग्री पे हैं दोनों, रिजल्टेंट निकालोगे वी नेट अंडर रूट चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, भाई साहब पांच, तो ये आएगा पांच मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, फील आ गया एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया भाई, मजा आने लगा आपको, है ना। चलो अगला सवाल देखो, बढ़ा दूं लेवल, नहीं सर नहीं, डाल 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 लगता है सर, सर डाल लगता है सर, सर मत करो, बढ़ा दूं लेवल, चल भाई लेवल बढ़ा देते हैं। अच्छा लेवल बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कर लेते हैं, मान लो ये वी स्पीड से जा रहा, ओमेगा से घूम रहा, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो जैसे, ठीक है, पॉइंट क्या था, सी था ना, ए बी सी जो भी था, चलो बी पॉइंट सी पॉइंट, हम मुझे सी की स्पीड निकालो, तो आप बोलोगे सी आगे जा रहा वी से और रेडियस मान लो आर है, शुर ऊपर जा रहा आर ओमेगा से, ओवरऑल आपने किया क्या, इन दोनों स्पीड का वेक्टर सम, इन दोनों स्पीड का वेक्टर सम, यही किया ना सी की स्पीड निकालने के लिए। मान लो ये पॉइंट पी है, P नाम दे दें, मैं बोलूं P की स्पीड निकालो, ठीक है ये पॉइंट P है, इस पे P की स्पीड निकालो, तो आप बोलोगे सर P एक तो आगे जाना, यहां बना लेते हैं सर, सुनो ध्यान से फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, P आगे जाना चाहता है V स्पीड से और घूमने की वजह से ऊपर जाना चाहता है R ओमेगा से, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे तो नेट स्पीड मिल जाएगी P की ग्राउंड से, ग्राउंड से देखने में दोनों स्पीड दिख रही होगी। जरा फील एक सुन लो बस बात, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। कुछ फील हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है क्या? अगर P की स्पीड ग्राउंड से देखनी है तो पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड ग्राउंड से देखो और फिर P की स्पीड को सेंटर ऑफ मास से देख के उसमें जोड़ दो, चेन रूल। अगर P की स्पीड चाहिए, जैसे बस के अंदर कोई पैसेंजर है तुम्हें उसकी स्पीड चाहिए, तुम क्या करो, तुम पहले बस की स्पीड देखो क्योंकि तुम बाहर खड़े हो ग्राउंड पे, तुम पहले बस की स्पीड देखो फिर बस के अंदर देखो कि पैसेंजर की क्या स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू बस और दोनों का वेक्टर सम कर दो। फील आ गया होगा आपकी बार, बस चल रही है, बस में पैसेंजर झुमझुम झुमझुम कर रहा है, बदमाश सा पैसेंजर एकदम लफंगा टाइप का, धुर 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 धुर, बस में कौन चलता है रे पता नहीं, वो चल रहा है इधर झुमझुम झुमझुम झुम, है ना, गैस मॉलिक्यूल समझता है खुद को, ऐसे 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 आप बाहर से देख रहे हो, आपने कहा यार इसकी स्पीड कैसे बताएं, ये तो बस के अंदर है, तो आपने कहा कि पहले हम बस की स्पीड को देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बस में बैठा हुआ वो पैसेंजर उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आ गया फील,
यही डिस्प्लेसमेंट बताया था। क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पार्टिकल कहां पे है? बस के अंदर। तो पहले सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे तो रट जाना चाहिए था ये, इतनी जल्दी कैसे? अब की बार रट लो, प्लीज लर्न कर लो इसको। मैं क्वेश्चन इससे कहां करा रहा हूं, क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पार्टिकल की स्पीड चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो भाई पार्टिकल कहां है? किसी स्फीयर पे है, तो पहले सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। नहीं आया? इसके मोशन को पहले देखो तुम बाहर से कि सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा, उसकी क्या स्पीड वगैरह है, फिर देख लो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसा चल रहा। क्या हम यही रहे, जरा पी की स्पीड देखो, सेंटर ऑफ मास की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने पहले ली है v, और इसमें वेक्टर के फॉर्म में हम जोड़ रहे हैं p की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास p गोल गोल घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास अगर p को देखेगा तो उसे p सीधा चलता हुआ दिखाई थोड़ी ना देगा, उसे p गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा r ओमेगा से। तो इन्हीं दोनों का तो वेक्टर सम किया आपने। अब फील हुई बात कि पहले आप बस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर उस पैसेंजर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस। ओके, नहीं आया, बाउंस बाउंस है, बाउंस है, कोई बात नहीं, अपने सवाल तो बनी रहे, टेंशन क्या, कोई टेंशन नहीं। चलो अगला सवाल देखें, अगला सवाल नहीं बनेगा इसके बिना, बन जाएगा, ये सब बन, फील अगर है तो सब बन जाएगा, टेंशन नहीं। अगला सवाल खुद से करोगे तुम, ठीक है? बढ़िया सवाल दे रहे हैं, बेहतरीन सवाल, वैसे तो पूरा लेक्चर बेहतरीन होने वाला है। क्या सर, अपने आप ही अपनी तारीफ? नहीं, मैं फिजिक्स की तारीफ कर रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देश के भविष्य। और बोला ये v स्पीड से आगे की तरफ भाग रही और ओमेगा से घूम रही, रेडियस है डिस्क का r, हमको ओमेगा की वैल्यू दे दी है v बटे r। ये स्पेशल केस होता है, रोलिंग में पढ़ेंगे, अभी तो बस लगाते जाओ सवाल। हमसे कहा यहां एक पॉइंट है P, यहां पे एक पॉइंट है P, थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे आपको P पॉइंट की स्पीड बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड P की दो स्पीड होगी, एक तो V और एक घूमने की वजह से R ओमेगा। सो यू हैव टू फाइंड द नेट स्पीड ऑफ P पॉइंट With respect to ground, चार ऑप्शन है आपके पास, v cos theta, v sin theta, 2v cos theta by 2, 2v sin theta by 2। तो पॉज करके करें, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। कंसेप्ट सही होंगे तो सही कर जाओगे। चलिए भाई, दो तरह की स्पीड होगी p पॉइंट के पास, कर लिया। चलिए मैं करने जा रहा हूं, अभी भी टाइम है, पॉज करके कर लो। ये पॉइंट P है, नहीं करना सर मचकाओ, ये पॉइंट P है थीटा एंगल पे। P पॉइंट के पास एक स्पीड ये हो जाएगी V, और घूमने की वजह से एक स्पीड इस तरफ आएगी आर ओमेगा। यस, सुरवचुक ऐसे टेंजेंशियली आर ओमेगा। तो एक स्पीड पी पॉइंट के पास है वी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वी से आगे बढ़ रहा, तो हर पॉइंट वी से आगे बढ़ेगा, तो पी के पास भी, और एक स्पीड इस तरफ मिल रही आर ओमेगा। इनके बीच में एंगल कितना है? ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, ये देखिए रेडियस है ना, और ये क्या है टेंजेंट, इनके बीच में एंगल 90, ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बोलो सही है? ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो एंगल 90, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। मेरे पास दो वेक्टर हैं वी और एक आर ओमेगा, कितने एंगल पे 180 माइनस थीटा पे।
अच्छा एक चीज देखो, ओमेगा की वैल्यू है v बटे r, यहां ओमेगा की जगह v बटे r रखो जरा, r से r मर गया तो ये भी कितना आ गया v, v कितना था r ओमेगा, यहां से देखो r ओमेगा, r ओमेगा क्या बन जाएगा v। तो असल में मेरे पास दो वेक्टर हैं v और v, कितने एंगल पे 180 माइनस थीटा पे, इनका रिजल्टेंट यहां से कुछ निकलेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, एंगल कितना है इनके बीच में 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस में वो एंगल रखते हैं जो दोनों वेक्टर के बीच में हो, 180 माइनस थीटा। यहां से आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर, ये भी कितना हो गया टू वी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा, तो बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा। कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने ये गलती की, मुझसे पाप हो गया, इस पर इतने कमेंट आ रखे हैं, यहां मैंने प्लस कॉस थीटा ले लिया, माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा, बोलो सही है, कॉस 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, यहां से रूट के अंदर टू वी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से v बाहर आ जाएगा रूट के अंदर रहेगा 2 1 माइनस कॉस थीटा, बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं ये बात हम आपको, याद है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है, याद है एक दिन तूने कहा था, याद आया, तो 2 थीटा की जगह थीटा हुआ तो यहां थीटा बाई 2 हुआ, सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन बाहर आ जाएगा, सो 2 वी साइन थीटा बाई 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, दो तरह की स्पीड थी इस पॉइंट के पास, एक v एक r ओमेगा, r ओमेगा इत्तेफाक से v के इक्वल हो गया, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, एंगल 180 माइनस थीटा, रिजल्टेंट निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टू वी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, प्यारा सवाल है, इस रिजल्ट को याद रखें, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा इसको, क्या बोला मैं, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा इसको, रिजल्ट को याद रखो, जितने आपके कोचिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया सकता है। मिटा दूं 2 वी साइन थीटा बाई 2, ये पॉइंट यहां पे आया, मिटा दें, ओके। एक बार मेरे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, सर आप किस चीज का इंटरव्यू देते थे कभी तो बताओ सर, झूठ नहीं बोलना, ये मेरे से पूछा गया, देखो कभी भी मैं तुमको शायद रोटेशन के स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी मतलब किसी टीचर की नॉलेज जब चेक करनी होती है तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पे बात करते हैं इन लोग, तो यहां से बहुत रोलिंग से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। चल भाई खैर वो भी एक दिन था, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर, ले लेते हैं जेई 2004 का क्वेश्चन, सो आईआईटी जेई 2000 का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहां पे है फिर से एक डिस्क, ये डिस्क ये डिस्क इट्स द टाइम टू डिस्को, ये डिस्क रोल कर रही है और यहां एक पॉइंट है P, यहां एक पॉइंट है Q और इस पॉइंट को इन्होंने बोला है O, ठीक है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस ये रोल कर रही है, सुर 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 ऐसे रोल कर रही है ओमेगा से और आगे बढ़ रही है किसी स्पीड V से। हमसे पूछा है चार ऑप्शन देके, velocity of P point is greater than velocity of O point is greater than velocity of Q point, या velocity of Q point is greater than velocity of O point is greater than velocity of P point, या velocity of Q point is equals to velocity of P point and velocity of O point is equals to velocity of P point divided by 2, या velocity of Q point is less than velocity of O point which is greater than velocity of P point। तो ये चार ऑप्शन है, सोच समझ के इसका उत्तर दे। चल भाई सोच समझ के इसका आंसर दे दे रे, सोच समझ के वेक्टर बना के कर लो, वेक्टर बना के कर लो,
एक दो तीन ओ चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ओ बारह तेरह। चलो मैं करूं, वेक्टर बनाना है। पी पॉइंट पे देखो, पी पॉइंट के पास दो स्पीड होगी, एक इस तरफ वी और एक ऐसे आर ओमेगा। सुर स्मॉल आर ले लेते हैं, पूरा रेडियस तो आ नहीं रहा, पॉइंट अंदर है। ऐसे होगी आर ओमेगा और इस तरफ वी, ठीक है। क्यू पॉइंट को देखो, क्यू पॉइंट के पास आगे की तरफ वी, सुर इसका आर ओमेगा ऐसे ऊपर होगा, यस सर, दो स्पीड। ओ पॉइंट को देखो, इसके पास एक ही स्पीड होगी वी, क्योंकि सेंटर पे है, सेंटर पे आर ओमेगा तो हो नहीं सकती भाई, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। इसको आर वन ले लो, इसको आर टू ले लो, ठीक है ना, डेफिनेटली सबकी वैल्यू अलग अलग है। ओके, जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यहां पे दोनों ऐड हो रही हैं, समझ में आता है। ये एंगल 90 से बड़ा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आकर इसको कैंसिल करेगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में ऐड होगा, इसका इश्का इश्का ये है ना, इश्का ये स्पीड भी, इसका एक कंपोनेंट इसको इस तरफ जाकर कैंसिल कर रहा और एक कंपोनेंट इसको बढ़ा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है। इसकी बात करें तो एक कंपोनेंट इसमें ऐड होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, और इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ वी स्पीड है भाई। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, पी की स्पीड। फील हुआ वी आर ओमेगा दोनों सपोर्ट में है ना, यहां वी आर ओमेगा ये इसको काटना चाह रही है, सबसे ज्यादा स्पीड पी की होगी, पी की स्पीड वी से ज्यादा होगी, क्योंकि वी भी है आर ओमेगा भी, इसका भी कुछ कंपोनेंट इसको सपोर्ट करेगा और यहां पे इसका कंपोनेंट इसको अपोज करेगा, सबसे ज्यादा पी की। फिर ओ, ओ में ना प्लस है ना माइनस, इसमें देखो वी प्लस समथिंग होगा, इसमें वी होगा, इसमें वी से कुछ माइनस हो जा रहा है, तो वी ओ फिर वी क्यू। सो ऑप्शन होगा पुक पुक ए, सबसे ज्यादा स्पीड पी पॉइंट की, क्योंकि आर ओमेगा और वी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ओ की, आर ओमेगा नहीं है। फिर क्यू की, क्योंकि आर ओमेगा अपोज कर रहा है। क्लियर? ओके, तो भाई वेलोसिटी से रिलेटेड इतनी बातें थी मैंने आपको बताई। फॉर्मूला मैंने अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया, चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले सेंटर ऑफ मास को देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर पार्टिकल को विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कैसा? वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद हो जाइए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके रिस्पेक्ट में देखनी थी हमें? पर्सन को देखना था, पैसेंजर को, बस के अंदर। यहां से तो पहले बस की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर पैसेंजर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस, याद रहेगा ऐसे। पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन देखो, फिर पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास से देखो, पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास से विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरह से बच्चों, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फील करना है इसको भी, आइए फील करते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई चक्कर वी स्पीड से आगे वगैरह जो भी है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा, ए सी ओ एम से आगे जा रहा। मान लो यहां कोई पार्टिकल है पी, पी को कोई बंदा यहां से देख रहा ग्राउंड से, बोल पी तेरे पास कितने तरह की एक्सेलरेशन है। तो पी ने कहा क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा ए एक्सेलरेशन से, तो हमें उसके साथ बढ़ना पड़ेगा। सो एक तो मेरे पास वही एक्सेलरेशन है जो सेंटर ऑफ मास की है, पहली वाली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो है ही मेरे पास। जैसे जब ये वी स्पीड से चल रहा था तो पी को भी वी स्पीड से चलना पड़ रहा था, उसी तरह से जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है तो पी का एक्सेलरेशन भी ए। दूसरी कहानी यह है कि ये घूम भी रहे हैं ओमेगा स्पीड से, ये घूम भी रहे हैं ओमेगा स्पीड से, घूमने की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगी जिसको आप बोलते हो, याद आया, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन किधर लगती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, सॉरी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल।
अगर इसके घूमने की स्पीड चेंज हो रही, अगर इसके घूमने की स्पीड चेंज हो रही मतलब इसके पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसके पास होगी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है आर अल्फा। ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दो तरह की एक्सेलरेशन लेगा। इस पार्टिकल की टोटल एक्सेलरेशन बतानी थी, पहली एक्सेलरेशन क्या ले लिया आपने, सेंटर ऑफ मास वाली ACUM। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की दो एक्सेलरेशन होगी। मेरा सर्कुलर मोशन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा अगर नहीं देखा है। जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होती हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आती है किस वजह से, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, अरे यार बहुत लंबी कहानी है सेंटर ऑफ मास, अरे सर्कुलर मोशन का वीडियो देखना पड़ेगा है ना। आप देख लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आप टाइप कर दो सर्कुलर मोशन 02, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AT की वैल्यू होती थी R अल्फा, AC की वैल्यू होती है R ओमेगा स्क्वायर। ये किसी भी पार्टिकल के पास होती है जो सर्कुलर मोशन कर रहा, सेंट्रीपिटल तो होगी ही होगी, टेंजेंशियल तब होगी जब घूमते वक्त स्पीड भी चेंज हो रही हो। बहुत ज्यादा तो नहीं बता रहा, कोई पार्टिकल जब सर्किल में घूमता है तो दो एक्सेलरेशन होती है AC और AT। AC हमेशा होगी, AT तब होगी जब स्पीड भी चेंज हो, घूमने की स्पीड भी चेंज हो रही हो, है ना, मतलब जब अल्फा आ जाए। तो इसके पास दो और एक्सेलरेशन है, एक सेंटर की तरफ AC, एक टेंजेंशियल AT और एक ACUM। इन सब का कर दो वेक्टर सम, दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ACUM प्लस ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। इसी बात को यहां से फील लो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ACUM वेक्टर प्लस पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये कौन सा मोशन कर रहा, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, तो यहां से आया AC वेक्टर और AT वेक्टर। इसके बाद यार देखना पड़ेगा कौन कितने एंगल पे है ना, कहानी समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि अब बता दिया। मैंने पहले आपको बताया कैसे निकालना है। तीन एक्सेलरेशन आ जाएंगी, ठीक है, एक तो सेंटर ऑफ मास के आगे जाने की वजह से, ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा ए एक्सेलरेशन से, तो हर पॉइंट ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। दूसरा ये पॉइंट गोल गोल घूम रहा तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तीसरा अगर इसके गोल गोल घूमने की स्पीड भी चेंज हो रही, यानी इसका ओमेगा अगर चेंज हो रहा, ओमेगा इसका अगर चेंज हो रहा, घूमने की स्पीड अगर चेंज हो रही, तब अल्फा आ जाएगा और अल्फा की वजह से होगी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही, इस तरफ इसकी स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही। सो वी हैव थ्री एक्सेलरेशन फॉर सच पार्टिकल, और उस तरह से भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया। क्लियर है कंसेप्ट, सवाल एक देख लो इस पे, बस एक सवाल करा देते हैं, ठीक है। कई लोग की सांसें फूल रही हैं, जीवन व्यर्थ लग रहा है, इसके बाद अगला लेक्चर रोटेशन का नहीं देखना है, इसकी कसम खाई है। अभी जाके गणेश जी की पूजा कर ली है और मान लिया है कि रोटेशन हमको छोड़ देना है इस बार। चलो एक एक क्वेश्चन, यहां से हमसे बोला ACUM की वैल्यू है पुंगारे पूरे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये घूम रहा है जुम 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 जुम, जिसका रेडियस है मान लो 2 मीटर। ओमेगा की वैल्यू हमको दे रहा है 3 रेडियन पर सेकंड, रेडियस ले लो 1 मीटर, और हमको अल्फा की वैल्यू दी है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पुंगारे पूरे, और इस पॉइंट की हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछी है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां लिखें, छोड़ो उसको, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ACUM वेक्टर, पॉइंट पी की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दो होंगी, एक ए सेंट्रीपिटल एक ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल ए टेंजेंशियल,
और एक कौन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। यहां बना ले तीनों, एक तो पॉइंट पी पे ए सी ओ एम लगेगा, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंट के अलोंग ए टेंजेंशियल। सबकी वैल्यू निकाल लें, ए सी की वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज वन ओमेगा इज थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन हो गई। ए टी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आर अल्फा, आर इज वन अल्फा इज टू, तो ये वैल्यू हो गई टू। ए सी ओ एम की वैल्यू शायद दे रखी है पांच, तो फाइनली ये पांच, ये दो, ये नौ। सो फाइनली जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, इस तरफ पांच दो सात, इस तरफ नौ, यहां से निकलेगी नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट नौ का स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वेक्टर डायग्राम बनेंगे और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।